लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक एंड आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं कोई नवरात्रि के शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। और ये जो एरिया है बेसिकली ये है सूरत का आनंद महल रोड। और ये जो चनिया चोली एंड एसेसरीज एंड जो भी कुछ गरबा के आउटफिट्स हैं मेल्स एंड फीमेल्स बच्चों के सबके लिए मिलते हैं, टेम्पररी मार्केट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ चलिए कि इस बार 2021 में नवरात्रि में क्या क्या ट्रेंड्स है आउटफिट्स में एंड एसेसरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मिस ना करें। तो भाई, हमारा गुजरात का लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल नवरात्रि और उसकी शॉपिंग के लिए आप देखिए, मतलब इतनी वैरायटी और इतने कलर्स एंड इतने पैटर्न्स, मतलब आप देखते ही रह जाओगे और इतने कंफ्यूज हो जाओगे। एंड आप जानते ही होंगे कि जब स्ट्रीट शॉपिंग होती है तो कोई फिक्स रेट नहीं होता है, तो आप पूछोगे और फिर बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको। और देखिए तो चनिया चोली है और दुपट्टाज एंड ब्लाउजेज के साथ साथ बहुत सारी एसेसरीज भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ एंड बाद में वीडियो में भी दिखाने वाली हूँ, जिसमें नेकलेसेस है, इयररिंग्स है और कमर बंद होंगे, बाजू बंद होंगे, नाक की नत होगी और इतना कुछ, मतलब ऑक्सीडाइज एंड ये कलरफुल ज्वेलरी एंड एसेसरीज की पूछो मत। मतलब सच में आप देखते ही रह जाओगे और मन नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा। तो हर बार कुछ नया ट्रेंड तो होता ही है, तो मैं आपको एक्सेसरीज़ में यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि इस बार ना सिर्फ़ और सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी नहीं, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ कलर देखने को मिल रहे हैं। और सच में जब हमारा आउटफिट इतना कलरफुल होता है तो एसेसरीज़ भी कलरफुल क्यों ना हो। तो देखिए, ये नेकलेस में भी कितने सारे कलर्स हैं और बहुत ही लाइट वेट होती है ये एसेसरीज़। तो नाक की नथ कुछ 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी और बाकी एसेसरीज़ कुछ 300-350 तक पहुंच रही थी। अब बैक टू चनिया चोली आ जाए तो देखिए, बच्चों के छोटे छोटे चनिया चोली तो है ही है, साथ में ना आप अलग अलग भी ले सकते हो। लाइक देखिए, यहाँ पे चोली यानी कि ब्लाउज़ एम्ब्रॉयडरी वाली अलग मिल रही है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं पसंद है तो आपको सिंपल वाली जो चोलीज़ है वो भी देखिए आपको ये साइड में यहाँ पे मिल रही है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का आपका स्टाइल है। तो कंप्लीट सेट भी मिल रहा था और इस तरीके से आप अलग अलग लेकर भी सेट बना सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें ये तोरण जो होता है जो हम दरवाज़े पे लगाते हैं, फिर ये छोटे छोटे क्लच जैसे थे जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और ये जो वर्क है ना, स्पेशली वाइट स्क्वायर है, उसे ना कच्छी वर्क कहते हैं। तो गुजरात में कच्छ नाम की जगह है जो कच्छ का सफ़ेद रण बहुत फेमस है, तो वो कच्छ का पूरा वर्क है एंड बहुत टाइम लगता है इसमें, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। बट ये क्लचेस वो आंटी ने मुझे 150 रुपये के बोले थे, तो मुझे रीज़नेबल लगे। तो वहाँ पर ये कुछ इस तरीके के, यू नो, बॉटम में पॉम पॉम लगे हुए घाघरा भी थे। अब कुछ पैच लगे हुए घाघरा भी आपको दिखेंगे, तो कुछ बहुत हैवी वर्क वाले भी होंगे और कुछ ठीक ठाक वर्क वाले भी होंगे। तो ये एक्चुअली चनिया चोली एंड दुपट्टे के साथ उन्होंने कुछ 1200 बोला, तो आप बार्गेन करके कुछ 800-900 तक तो उनको ला ही सकते हैं। अगेन देखिए, एसेसरीज है तो इसमें नेकलेसेस है ऊपर, फिर सेंटर में मांग टीका है, फिर कमर बंद है। तो ये ना कुछ 300-400 से शुरुआत करेंगे और आपको 150-200 तक उनको लाना है। छोटे छोटे नेकलेसेस भी है यहाँ पे, छोटी छोटी नथ होगी। फिर ये बंजारा जो होते हैं ना, वो एक्चुअली ओरिजिनली तो वो हाथी दांत जो होते हैं ना असली वाले, उनका वो हाथों में पहनते हैं, बट अभी तो ये सब प्लास्टिक का एंड ऊपर थोड़ा सा यू नो ये धागे का एम्ब्रॉयडरी होता है। तो ये ना मुझे इस बार कुछ नया लगा, अलग अलग पॉम पॉम्स और ये सब लगे हैं, तो एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी दिखी इस बार। और ये सारे जो घाघरा थे वो आप चोली के साथ पूरा सेट भी ले सकते हो, सिर्फ अकेले भी ले सकते हो, तो वही आपको 1500 बोल देंगे, फिर आपको आपके हिसाब से बार्गेनिंग करा सकते हो। ऐसे प्रिंटेड घाघरा भी थे जो आप नवरात्रि के अलावा शादी में भी पहन सकते हो। या
और जो गुजराती होंगे उनको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे शादियों में भी गरबा डांडिया होता है शादी के अगले दिन, तो वो पूरा एक फंक्शन होता है, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी ये सब बांधनी एंड लहरिया वो सब गुजराती जो वर्क वाली चीज़ें हैं वो पहनते हैं। एंड ये सारे घाघरे आप देखोगे उसका घेरा ज़बरदस्त होता है, और जब आप घूमते हो ना तब तो बहुत सही लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलर्स और पैटर्न्स, और देखिए ऐसे प्लेन भी पहनते हैं। अहमदाबाद बड़ौदा साइड ना बहुत सिंपल सा ड्रेसिंग करते हैं, बट हमारे सूरत साइड ना लोग थोड़ा सा ज़्यादा चमचम एंड ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें मांगते हैं, तो उतनी डिसेंट चीज़ें यहाँ पर कम चलती हैं, बट फिर भी मुझे कुछ कुछ प्लेन घाघरा दिखे। और ये ना पटोला टाइप के है दिखे, अब पटोला दिल्ली में कुछ अलग कहते हैं बट यहाँ पे हम गुजरात में पटोला यानी प्रिंट होती है उसे बोलते हैं। देखिए ये इस तरीके की अलग अलग चोली यानी कि ब्लाउजेस भी मिल रही थी, तो आप ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो ब्लाउज़ है उस पर प्लेन साड़ी भी कल जाके पहन सकते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बीच बीच में एसेसरीज आती रहेगी। और ये देखिए इस तरीके के जो प्लेन घाघरा है ना वो अहमदाबाद बड़ौदा साइड काफ़ी पहनते हैं। सूरत में मैंने बताया आपको कि बहुत ही ना ये सब ऐसा एम्ब्रॉयडरी एंड वर्क एंड मिरर्स एंड कुछ चंकी सा चाहिए यहाँ पे लोगों को। तो शहर बदलता है तो कल्चर भी बदलता है, तो इस बार ये कच्छी वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखा, पॉम पॉम्स काफ़ी ज़्यादा दिखे, मिरर वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सेट ही लेना है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एंड अलग अलग खरीद सकते हैं। और घाघरा के ऊपर भी कुछ इस तरीके के लटकन लगे हुए थे, पर ये सारी चीज़ें 1200-1500 में आपको मिल जाएगी। अब देखो मेल्स की इसे हम कोटी बोलते हैं जैकेट, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा हैंडवर्क किया हुआ है। एंड ये ना मुझे कुछ मशीन वर्क नहीं लग रहा है, ये सब कुछ हैंडवर्क है। अगेन मैं ये जो आपको प्लेन से दिखा रही थी इस पर आप हैवी दुपट्टा पहन सकते हैं, हैवी एसेसरीज से इसे स्टाइल कर सकते हैं। और इस तरीके के कुछ ज़्यादा चमचम वाले भी थे, थोड़े से ग्लिटर वाले भी थे, जो शायद लोग नवरात्रि में ना पहन के, मैंने बताया ना आपको जैसे शादियों में भी हमारे यहाँ पे गरबा होता है, गरबा का फंक्शन होता ही होता है, जैसे नॉर्थ में संगीत होता है उसी तरह हमारे यहाँ पे शादियों में एक दिन पहले गरबा डांडिया डोडिया और अलग अलग फॉर्म्स में लोग खेलते हैं, तो इसीलिए उस फंक्शन में भी आप पहन सकते हैं। तो ये वर्क वाले हैं वो आप नवरात्रि में पहन सकते हैं। तो पूरे सेट भी थे, और देखिए साइड साइड में जो टीनेजर बॉयज़ हैं उनके लिए भी थे कुछ सेट्स जो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो किसी किसी को ना सिंपल सा चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं चाहिए, तो लाइक सबके लिए यहाँ पे था। एंड ये मार्केट है ना सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए ही होता है पूरे साल में, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये जो कोटी मैंने आपको जैकेट बताया वो थे मेल्स के लिए, फिर अगेन घाघरा चोली। और ये ना बेसिकली बंजारा लोग जो होते हैं ना ये बिज़नेस करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चनिया चोली है ये भी जो वर्क वाली चीज़ें हैं आप इसे वॉश नहीं कर सकते हैं, आपको ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार तो पसीने से भी इसका कलर निकलने लगता है, तो कलर की तो भाई कुछ भी गारंटी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार एक ही साल तक ये चलते हैं, नेक्स्ट साल ये आपको ना भी चले। दुपट्टे मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और मैंने भी अभी नवरात्रि का मेकअप लुक एंड दुपट्टे को इंडो वेस्टर्न स्टाइल में कैसे आप ड्रेप कर सकते हैं वो मैंने दिखाया, वो वाला वीडियो आप ज़रूर से देखना। और उसमें मैंने जो दुपट्टा पहना है ना वो भी थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप का है, तो अभी कॉटन दुपट्टा इतने ट्रेंड में नहीं है नवरात्रि की मैं बात करूँ तो। तो देखिए यहाँ पर गरबा खेलते हुए कुछ एम्ब्रॉयड्री एंड डिज़ाइंस है, बहुत सुंदर लगता है। एंड वैसे तो ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, लेकिन किसी किसी को वाइट भी अच्छा लगता है, तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे कलर्स एंड कैसे डिज़ाइन पैटर्न्स एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है। तो एक के बाद एक स्टॉल्स आते जाएंगे। एंड ये देखिए मेल्स जो होते हैं टीनेजर्स, ये कुछ इस तरीके का ऊपर का जो होता है टॉप उसे केड़िया बोलते हैं, और नीचे वो धोती या फिर सिंपल सा पजामा टाइप पहनते हैं। और बच्चों के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी, छोटा अगर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है तो इतने क्यूट लगते हैं ना छोटे छोटे जो उनके लिए ड्रेसेस होते हैं ना वो, तो
तो आप और उसे एसेसराइज भी कर सकते हैं, तो पूरा मतलब ना एक थीम बन जाती है। ये देखिए और भी छोटे बच्चों के लिए है, ये केडियू बोलते हैं इसे। और ये देखिए अगेन ये प्लेन है पूरे जो घाघरे है वो, एंड नीचे बॉर्डर है उसके साथ साथ। आप देखोगे तो बॉटम में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, और ये देखिए छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाए हुए हैं। तो 9 दिन के लोग 9 भी खरीदते थे पहले तो, और चनिया चोली के साथ हाथों में अम्ब्रेला और उसे भी डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरीके से उस पर भी पैचेस एंड वर्क होता है, बॉर्डर लगाई हुई होती है। तो पूरा आउटफिट पे इतना ज़्यादा वर्क एंड मिरर्स एंड कलर्स होते हैं, बहुत सी सुंदर लगता है और बहुत ही कलरफुल लगता है। तो ये नवरात्रि जो हमारा 9 दिन का फेस्टिवल है भाई, मतलब कलर कलर और कलर ही दिखते हैं जहाँ पे भी देखो आप। तो ये जो चनिया चोली या ये जो भी ड्रेसेस है ना, उसकी केयर आप कैसे लोगे? तो बहुत पसीना होता है क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत पसीना होगा। तो बस घर पर आके आप उसको पंखे में सुखा दो, बस और कुछ मत करो। इसे वॉश तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो बस पंखे में आप सुखा दो उसे। देखिए छोटी जो लड़कियां होती है ना, बेबी गर्ल्स, उसके लिए भी बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट्स हैं यहाँ पे। तो सभी की प्राइसेस जो है वो 1000, 1200 या 1500 बोलेंगे, 2000 बोलेंगे, जैसा जैसा वर्क है उस तरीके से फिर आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो चलिए बड़े बड़े जो स्टेटमेंट झुमके एंड ईयर रिंग्स एंड ज्वेलरी है, तो पूछते हैं इसका क्या रेट है। तो ये जो एकदम छोटी छोटी ईयर रिंग्स थी उसका वो लोग 100 बोल रहे थे, और ये टॉप्स ऐसे है वो, और फिर ये सारी जो है ना उससे 150, 200, और कुछ बड़ी सी ईयर रिंग्स थी उसके तो 250, 300 बोल रहे थे। पर डिपेंड कि आप कैसी बार्गेनिंग कर सकते हो, आपकी स्किल्स कैसी है उस पर डिपेंड करता है।
तो मिनी हॉल टाइम मैंने ये इयररिंग्स लिए, 100 रुपीज़ के फिक्स रेट था एंड मुझे काफ़ी रीजनेबल भी लगा, इतना इंट्रिकेट इसमें था वर्क। एंड ये जो इयररिंग्स है मुझे 150 कोट किया था, तो मैंने 100 रुपीज़ में बार्गेन किया। ये तो मुझे आप बताइए कि आप कितना अच्छा या बुरा बार्गेन करते हैं। मैं तो आई डोंट नो, ठीक ठाक करती हूँ। तो आपने देखा ये नवरात्रि शॉपिंग ब्लॉग, और मैं हो सके उतनी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की भी ट्राई करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप कहो तो मैं दिवाली का भी ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग का व्लॉग बना सकती हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।